रोमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लखनऊ का यह भवन विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। नवाब आसफउद्दौला ने सन 1786 में इस दरवाजे का निर्माण कराया था। यह दरवाजा जनपद लखनऊ का हस्ताक्षर शिल्प भवन है। अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। नवाबों के शहर के नाम से मशहूर लखनऊ के हर कोने पर नवाबी शानो शौकत की छाप देखी जा सकती है। वैसे भी इस शहर का इतिहास बहुत पुराना है। नवाब आसफउद्दौला ने सन 1775 में लखनऊ को अपनी सल्तनत का मरकजे मनसद बना लिया था। सन 1784 में उन्होंने रूमी दरवाजा और इमामबाड़ा बनवाना शुरू किया। इसका निर्माण कार्य सन 1786 में पूरा हुआ। इस विशाल दरवाजे को बनकर तैयार होने में 2 साल का समय लगा। कहते हैं कि इसके निर्माण में उस जमाने में 1 करोड़ रुपए की लागत आई थी। हालांकि जब रूमी दरवाजा बन रहा था उस वक्त अवध में अकाल पड़ा हुआ था, इसलिए भूखों को रोटी देने की गरज से आसफउद्दौला ने इन इमारतों की विस्तृत योजना बनाई थी। रूमी दरवाजे की ऊंचाई 60 फीट है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर एक अठपहलू छतरी बनी हुई है जहाँ तक जाने के लिए रास्ता है। पश्चिम की ओर से रूमी दरवाजे की रूपरेखा त्रिपोलिया जैसी है, जबकि पूर्व की ओर से यह पंचमहल मालूम होता है। दरवाजे के दोनों तरफ 3 मंजिला हवादार पर कोटा बना हुआ है, जिसके सिरे पर 8 पहलू वाले बुर्ज बने हुए हैं, जिन पर गुंबद नहीं है। रूमी दरवाजे की सजावट निराली है, जिसमें हिंदू मुस्लिम कला का सम्मिश्रण देखने को मिलता है।